क्या आप भी मेरी तरह हैं जिसे टाइगर श्रॉफ के जैसे सिक्स पैक एब्स नहीं चाहिए, पर कम से कम इतनी चेस्ट तो हो कि बंदे की पर्सनैलिटी नजर आए। हमें ऋतिक रोशन जैसा 16 इंच का बाइसेप नहीं चाहिए, पर कम से कम इतना बाइसेप तो हो कि स्किन टाइट टी शर्ट में हम अच्छे लगें। आप भी मानोगे कि अच्छी बॉडी, अच्छी फिजिक हमें कॉन्फिडेंस देती है, और ये कॉन्फिडेंस हमारे दोस्तों के बीच, हमारे इंटरव्यू के टाइम पे, हमारी शादी के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जिम जाना हर एक के बस का नहीं, या तो टाइम नहीं है या पैसे नहीं है। सो हम लेकर आए हैं कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस जिनसे आप घर बैठे अच्छी खासी बॉडी बना सकते हैं। इनके लिए कोई वेट्स की जरूरत नहीं, कोई डंबल्स की जरूरत नहीं, कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं। टीएस मदान टीम में से एक ट्रेंड एथलीट आपको ये एक्सरसाइजेस बताने वाले हैं, सो आप इन पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बॉडी को वार्म अप करना है। इसके लिए आप इस तरह से 40 बार स्विंग करो, एक तरफ से दूसरी तरफ। वार्म अप करने से हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है और बॉडी प्रॉपर एक्सरसाइज के लिए रेडी हो जाती है। 40 बार स्विंग करने के बाद 10 सेकंड का रेस्ट लो और फिर अगली वार्म अप एक्सरसाइज। इस पूरी एक्सरसाइज में आपकी हील जमीन से ऊपर ही रहनी चाहिए, टच नहीं होनी चाहिए। इस वार्म अप एक्सरसाइज के टोटल 40 स्टेप्स करने हैं। इसके बाद एक आखिरी वार्म अप एक्सरसाइज और करेंगे। इस बार दोनों पैरों पे 20 बार जंप करेंगे, पर यहां भी पूरी एक्सरसाइज में आपकी हील जमीन को टच नहीं करनी चाहिए। आपको सिर्फ टोज पर ही रहना है, पैर के आगे वाले हिस्से पर ही रहना है। जब बॉडी वार्म अप हो जाए तो मेन एक्सरसाइजेस शुरू करें। पहली एक्सरसाइज है चेस्ट बनाने के लिए। इसमें आपकी चेस्ट मसल्स बनेंगी। अपने हैंड्स को शोल्डर की सीध से थोड़ा बाहर ही रखना है, नीचे की तरफ नहीं देखना। आपकी चिन नीचे की तरफ होनी चाहिए, फेस नहीं। आपको इतना गैप बना के रखना है अपने आर्म्स और बॉडी के बीच में। आपकी पूरी बॉडी एक लाइन में होनी चाहिए और नीचे जाते हुए चेस्ट वाली साइड नीचे की तरफ जानी चाहिए। आपको ये एक साथ 12 बार करना है, 12 टाइम्स करना है, यानी 12 रेपिटेशंस। फिर 10 सेकंड का ब्रेक लेकर दोबारा 12 रेपिटेशंस। फिर 10 सेकंड का ब्रेक लेकर 12 रेपिटेशंस, यानी 12 रेपिटेशंस के 3 सेट लगाने हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है बाइसेप्स की, सो डॉले शॉले बनाने के लिए तैयार हो जाओ। इस एक्सरसाइज में आपने अपने हाथ उल्टे करके इस तरह से रखने हैं। आपके हाथ आपकी कमर की सीध पर होने चाहिए, आपके दोनों पैर जुड़े हुए होने चाहिए और फेस बिल्कुल नीचे को नहीं। आपकी चिन जमीन पर लगनी चाहिए, नोज नहीं। इस एक्सरसाइज के भी 12 रेपिटेशंस वाले 3 सेट लगाने हैं। हर अलग एक्सरसाइज के बीच आप 1 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं और फिर अगली एक्सरसाइज पे आ जाएं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है ट्राइसेप्स की, जो हमारे बाइसेप्स के पीछे का हिस्सा होता है। नीचे को नहीं देखना, नीचे की तरफ सिर्फ आपकी चिन होनी चाहिए। पूरा नीचे तक जाना है ताकि आपकी चेस्ट आपके हैंड्स को टच हो सके। इसी तरह पूरा ऊपर आना है जब तक कि आपकी आर्म्स स्ट्रेट नहीं हो जाती। इस एक्सरसाइज में आप अपनी आर्म्स को बॉडी के साथ जॉइन करके रखोगे। इस एक्सरसाइज के 10 रेपिटेशंस वाले 3 सेट लगाने हैं। टाइट टी शर्ट तभी अच्छी लगती है जब शोल्डर मसल्स बने हो, सो देखते हैं शोल्डर एक्सरसाइजेस। अपने हैंड्स को शोल्डर की सीध में रखें, पूरा नीचे तक जाएं और ऊपर आते हुए अपने हाथ इस तरह से उठाएं। आप फील कर पाओगे कि आपके शोल्डर मसल्स पर दबाव पड़ रहा है और आप भी हीरो बनने वाले हो। टोटल 3 सेट लगाने हैं और हर सेट में 20 बार ऐसे करना है, 20 टाइम्स ऐसे करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है पीठ की, बैक की। अब ये पुशअप्स अपनी नीज को जमीन से लगाकर करने हैं और पैरों को एक के ऊपर एक रख सकते हैं। पीछे आते हुए पीछे को स्ट्रेच करना है जब तक कि आपकी थाइज आपकी चेस्ट को टच ना हो जाएं। इस बात का ख्याल रखें कि आपके हाथ अपनी जगह से हिलने नहीं चाहिए। मजबूत पीठ आपकी पूरी बॉडी को सीधा रखने में सपोर्ट करती है, सो इस एक्सरसाइज को इग्नोर मत करना। आपको इस एक्सरसाइज के 12 रेपिटेशंस वाले 3 सेट लगाने हैं। अब आते हैं पेट के हिस्से पर, थोड़े एब्स शेप्स भी बना लेते हैं। पहले करेंगे अपर एब्स की एक्सरसाइज। अपनी लेग्स को इस तरह से आधा फोल्ड करें, फेस ऊपर की तरफ ही रहना चाहिए, यानी आपकी चिन और चेस्ट आपस में टच नहीं होनी चाहिए। आपको 12 रेपिटेशंस वाले 3 सेट लगाने हैं, और अगर आपका पेट बाहर है तो यही एक्सरसाइज आपकी नैया पार कराएगी।
एक सेट पूरा होने के बाद लेग्स सीधी करके 10 सेकंड के लिए लेट जाएं, मसल्स रिलैक्स होने दें। अब लोअर एब्स की एक्सरसाइज करते हैं। अपनी दोनों लेग्स को थोड़ा ऊपर उठाएं और ऊपर ही रखें जब तक कि एक सेट पूरा नहीं हो जाता। अब सेट में करना क्या है, एक लेग को ऊपर लेके जाएं, एक एक लेग करके इस तरह से ये एक्सरसाइज करें। आपको इसके 3 सेट लगाने हैं और हर सेट में 30 बार ऐसे करना है। अब पेट की साइड वाली मसल्स की एक्सरसाइज देखते हैं, जिसमें आपके एब्स पर भी असर पड़ेगा। इसमें आपको अपनी अपर बैक को ऊपर उठाना है और अपने एंकल्स को एक एक करके टच करना है इस तरह से। इस एक्सरसाइज में भी सामने देखना है, नेक को झुकाना नहीं है। एक सेट में इस तरह से 30 बार करें और इसके 3 सेट लगाएं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है थाइस के लिए। पहले देखते हैं कि अपर थाइस को शेप में लाने के लिए क्या करना है। अपने पैरों को अपने शोल्डर की सीध से थोड़ा बाहर रखें, वाइड रखें। दो पैर एक दूसरे के आमने सामने होने चाहिए, आगे पीछे नहीं। झुकते हुए आपके पैर और आपकी नीज एक सीध में होनी चाहिए। उतना ही नीचे झुकना है जैसे मान लो आप एक कुर्सी पे बैठ रहे हो। शुरू शुरू में आप चाहें तो पीछे चेयर रख सकते हैं, पर उस पर बैठना नहीं है, बस टच करके उठ जाना है। इसके 12 रेपिटेशंस वाले 3 सेट लगाने हैं। अब देखते हैं इनर थाइस की शेप के लिए एक्सरसाइजेस। इसमें लेग्स को वाइड रखना है और पैरों को भी बाहर की तरफ खोल कर रखना है। इस एक्सरसाइज में भी आधा नीचे तक जाना है। अगर आपको शुरू शुरू में मुश्किल हो तो आप चेयर यूज कर सकते हो। ध्यान रहे कि आगे को नहीं झुकना है, पीठ सीधी रखनी है। इसके 12 रेपिटेशंस वाले 3 सेट लगाने हैं। जैसे मैंने बताया, हर अलग एक्सरसाइज के बीच आप 1 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं और फिर अगली एक्सरसाइज पर जाएं। अब अगर फैशन के मुताबिक स्लिम फिट जीन्स पहननी है तो अपने बम को भी शेप में रखना होगा। तो चलिए देखते हैं इसके लिए एक्सरसाइज। अपने पैरों को इस तरह से रखें, सामने देखना है, नीचे नहीं। जो लेग पीछे है उसमें पंजों पे ही रहना है, चाहे आप खड़े हो या बैठे हो। जो लेग आपने बेंड करी है, नीचे झुकाई है, उसका घुटना जमीन पर टच नहीं होना चाहिए जब वो नीचे जाए। आपके घुटने आपके पैरों से आगे नहीं जाने चाहिए। स्लोली नीचे जाना है और स्लोली ही ऊपर आना है। इस तरह से एक एक लेग बदलते जाएं। एक सेट में एक लेग 12 बार, फिर दूसरी लेग 12 बार और इस तरह से 3 सेट लगाने हैं। इन सब एक्सरसाइजेस के बाद हमें अपनी बॉडी को कूल डाउन करना है ताकि मसल्स रिलैक्स हो सकें। बस रिलैक्स होकर लेट जाएं और 1 मिनट तक गहरी सांसें लें, डीप ब्रीथ करें, सांस अंदर और सांस बाहर। टीएस मदान चैनल का मिशन है कि आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए आपकी हर तरफ से हेल्प करना। तो ये वीडियो कैसी लगी बताना अपने लाइक्स और कमेंट्स के साथ। ऑल द बेस्ट।